जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आखिर महाराष्ट्र के अंदर सत्ता परिवर्तन हो ही गया। उद्धव ठाकरे सरकार जा चुकी है, नई सरकार बनने की कयावत तेज हो चुकी थी। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब एक बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे और भारतीय जनता पार्टी उन्हें समर्थन देगी। बड़ी विचित्र सी बात लग रही होगी आपको कि आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को तो होटल के अंदर मिठाई खिलाई जा रही थी कि आप अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन अचानक ये सब क्या हो गया? होना क्या था, हो क्या रहा है? दर्शकों, इस पूरे सब्जेक्ट पर मैंने एक वीडियो शूट किया था 29 तारीख को सुबह 10 बजे करीब, और फिर उसे मैंने वीडियो को अपलोड भी किया था यूट्यूब पर, और यानी कि वो अगले दिन 30 तारीख को पब्लिश होना था। लेकिन उससे पहले ही 29 तारीख की रात को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि आपको बहुमत साबित करना पड़ेगा, और उससे पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं। और मैंने उस वीडियो का टाइटल रखा था कि आखिर महाराष्ट्र की सरकार गिर क्यों नहीं रही है, अब ऐसा कौन सा पेच आ रहा है जो इस सरकार को अभी भी रोके हुए है। और उस वीडियो के कुछ क्लिप आपको मैं दिखाता हूं, हालांकि वो वीडियो पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन मेरे YouTube चैनल पर अभी भी वो प्राइवेट उपलब्ध है। और आप देखिए, उस वीडियो के अंदर मैंने महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस, इन तीनों के लिए क्या कहा था, जरा एक बार इस बात को आप सुनिए, फिर मैं आपसे दोबारा बात करता हूं। जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, रोज आप खबरें पढ़ते हैं, आज इतने विधायक शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए, अब उद्धव इतने अकेले रह गए, संजय राउत ये कह रहे हैं अब बीजेपी के साथ में यहां पर सरकार बनेगी, मन से भी इसमें अपनी भूमिका निभाने वाले हैं, विधायक मन से में शामिल हो जाएंगे, ऐसी बहुत सारी अटकलें आप रोज न्यूज चैनल पर सुनते हैं। अगर इतना सब कुछ हो चुका है तो फिर सरकार क्यों नहीं बन रही, ये भी एक प्रश्न है। आखिर दिक्कत आ कहां रही है? शिवसेना ग्रुप के अंदर जितने भी विधायक हैं उनमें से संख्या बल जो विधायक को लेकर के अलग होने का है वो शिंदे के पास में है, तो फिर इंतजार किस बात का हो रहा है? दर्शकों, ये सारी के सारी चीजें जो हम लोग न्यूज चैनल पर देखते हैं वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि वो लोग उस चीज को कवर करते हैं और हम तक वो बात पहुंचाते भी हैं। लेकिन आखिर ग्रहों का भी तो अपना एक रोल होता है, उसको हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? ऐसे में जो परिस्थितियां विपरीत हुई हैं वो अपनी जगह पर सही है, क्योंकि ऐसा होना था। और इसका आकलन मैंने आपको पहले दिया था, एक माह पूर्व दिया था, कि महाराष्ट्र के अंदर अब विचित्र खेल होने वाला है, और आपने वो सब देखा भी है। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की कुंडली भी अभी उन्हें सपोर्ट कर रही है, इसलिए ग्रहों की ताकत अभी उनके साथ है, और इसीलिए इतनी आसानी से उनकी हार नहीं हो रही है। लेकिन ब्रह्मांड में अंगारक युग भी बन रहा है, जिसके कारण से परिस्थितियां असामान्य जरूर हो रही हैं, और 20 अगस्त तक ये परिस्थितियां अभी बिगड़ी हुई रहे, इसका कोई समाधान ना निकल पाए, या यूं कह सकते हैं कि अप्रत्याशित घटनाएं घटित हों, उसकी संभावना भी अभी तक बनी हुई है। अब बात आती है कि क्या शिंदे की ताजपोशी होगी, तो मेरे पास शिंदे जी की कुंडली नहीं है, इसलिए उनके संदर्भ में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, उनकी कुंडली में अभी राजयोग नहीं है, ऐसे में ताजपोशी उनकी हो
इसमें भी विलंब अवश्य बन रहा है। अब दर्शक उन तीनों चारों चीजों को जब मिलाकर के देखते हैं तो जिसे ताजपोशी दी जानी है उसकी कुंडली सपोर्ट नहीं कर रही, जिससे गद्दी छिननी है उसकी कुंडली उसको सपोर्ट कर रही है, और जो बीच में मध्यस्थ की भूमिका में है यानी शिंदे हैं उनकी कुंडली मेरे पास नहीं है, इसलिए उनके संदर्भ में मैं कुछ बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन संख्या बल उनके पास होते हुए भी वो गेम को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। दर्शकों ऐसा ही होता है जब ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थितियां यदि आपके अनुकूल बनी हुई हैं लेकिन वर्तमान का गोचर थोड़ा सा अगर अगेंस्ट है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक तरफा हार आपकी नहीं होती है। पर यही उद्धव ठाकरे के साथ हो भी रहा है, अभी एक तरफा हार उनकी नहीं हो रही है, अभी भी बहुत सारे दावपेच उनके पक्ष में हैं जो उनको बचाने में कामयाब करवा सकते हैं, लेकिन फडणवीस की कुंडली उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, इसलिए संख्या बल उनके पास आता हुआ दिखता है उसके बाद भी वो ताजपोशी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में अभी ये महाराष्ट्र का घटनाक्रम थोड़ा लंबा चलेगा और यदि 20 अगस्त तक भी महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं बदली तो फिर इस घटना का भी वही अंजाम होगा जो राजस्थान में हुआ था, अर्थात फिर किसी बड़े उलटफेर से हम परिस्थितियों को बदलते हुए देख सकते हैं। ऐसे में 20 अगस्त से पहले पहले ही महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि तब गोचर उद्धव के यानी उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ है, लेकिन 20 अगस्त के बाद गोचर भी उद्धव ठाकरे जी के पक्ष में हो जाएगा और कुंडली तो उनके अभी उनके पक्ष में है। ऐसे में अभी जो आप देखते हैं कि महाराष्ट्र सरकार रोज पतन के कगार पर पहुंच रही है लेकिन गिर नहीं रही है, उसके पीछे एकमात्र कारण भी यही है कि कुंडलियां और गोचर एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं और जिसको ताजपोशी मिलनी है उसकी कुंडली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, इसीलिए ये द्वंद्व अभी तक चल भी रहा है। दर्शकों बिना ग्रहों के साथ मिले कभी भी किसी को भी कुछ नहीं मिलता है, ये अटल सत्य है, और इसीलिए मैंने आप लोगों से, अगर आपको ध्यान हो तो शरद पवार जी के लिए भी मैंने कहा था कि उनकी राजनीति का अध्याय अब समाप्ति की ओर है, और आप देखिए जब मैंने ये बात उनके संदर्भ में कही थी उसके बाद उन्हें न जाने कौन कौन से पद ऑफर किए गए, कौन कौन से संगठन में उनको लाने की कोशिश की गई, विपक्ष का नेता बनाने की कोशिश की गई, अभी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात कुछ भी ऐसे नहीं बने जो उन्हें कुछ बड़ा रिवॉर्ड दिलाए, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति यदि आपके साथ नहीं है तो फिर आपको वो नहीं मिल सकता जो आप पाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों इस वीडियो के अंदर मैंने महाराष्ट्र के अंदर सरकार गठन को लेकर के जो विलंब हो रहा है उसका एक ज्योतिषीय आकलन आपको दिया है, क्योंकि अभी सितारे किसी भी एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं है। देखना यह है कि सितारे अपना खेल कैसे खेलते हैं और आखिर महाराष्ट्र की सरकार का पतन कैसे होता है। पतन होना निश्चित है लेकिन कैसे होता है, कब होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद जय भारत। दर्शकों इस वीडियो को देखने के बाद में क्या अब भी आपके मन में संशय रहता है कि हमारे जीवन के अंदर ग्रहों का कितना बड़ा रोल होता है। देवेंद्र फडणवीस जी की कुंडली के अंदर अभी राजयोग नहीं बन रहा है तो उन्हें ताजपोशी नहीं मिल रही है। उद्धव ठाकरे जी की कुंडली के अंदर अंगारक योग का प्रभाव आता है और सत्ता उनके हाथ से चली जाती है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बन रहा है वो अभी भी शिवसेना का ही है। और देवेंद्र फडणवीस के अलावा, उद्धव ठाकरे जी के अलावा एक तीसरे किरदार जो महाराष्ट्र की भूमिका में है, एकनाथ शिंदे, उनकी कुंडली मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने उनके संदर्भ में बिल्कुल भी कुछ भी एक शब्द भी नहीं कहा,
कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि आकलन करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है ज्योतिषीय विश्लेषण करना, ज्योतिष के आधार पर कुंडली के फलादेश को प्रिडिक्ट करना, ये मेरा काम है। और जब तक मेरे पास कोई प्रमाणित कुंडली नहीं होती है, मैं कभी भी वही बात अपने मन से नहीं कहता। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस वीडियो को देखने के बाद में आखिर आपको इस बात की खुशी हो रही होगी कि चलो महाराष्ट्र के अंदर आखिर सत्ता परिवर्तन हो चुका है। तो कुछ लोगों को इस बात का भी दुख होगा कि इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है, लेकिन महाराष्ट्र की पिक्चर अभी बाकी है। अगले चुनाव आने तक बहुत कुछ होगा, उसका भी आपको इंतजार करना चाहिए। और अभी उद्धव ठाकरे क्लीन बोल्ड नहीं हुए हैं, अभी भी अगले साल मार्च तक शिवसेना की कमान, या यूं कह सकते हैं कि शिवसेना का कंट्रोल अभी भी उनके पास में है। और ऐसे में अभी भी बहुत कुछ अंदर खाते होना बाकी है, लेकिन सत्ता परिवर्तन का खेल पूरा हो चुका है। और अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर अपना पद ग्रहण भी करेंगे। और महाराष्ट्र के संदर्भ में जो मैंने आपको आकलन दिए अपने वीडियो के माध्यम से, 3-4 वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैंने देवेंद्र फडणवीस और बाकी नेताओं की कुंडलियों का अध्ययन किया था, वो सब आप लोगों ने सत्य होता हुआ देखा है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।